सीआरपीएफ करेगी, परिवार की सुरक्षा भी सीआरपीएफ करेगी। आगे की जानकारी हमारे संवाददाता आवेश उस्मानी आपको विस्तार से देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत अहम फैसला सुनाया है हाथरस मामले में लेके। जैसा कि कहा जाता है कि ग्लिंच हो गया था वॉइस में, इसलिए फैसला पढ़ नहीं पाते, तो अब सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला आज का है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर पीड़ित परिवार जो है और गवाह जो है उनको सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन पीड़ित परिवार की विश्वास की बहाली के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका विश्वास बहाल हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहने गए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो थ्री टीयर सुरक्षा दी जा रही थी पीड़ित परिवार को, उससे संतुष्ट नजर आया, मगर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पीड़ित परिवार का विश्वास बहाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए ये कदम उठाना जरूरी है कि उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा था कि वो सीबीआई जांच की पूरी तरह से निगरानी करे, और सीबीआई जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पे अपने हिसाब से जो स्टेटस रिपोर्ट हो वो फाइल करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला होता था पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील का, तो उसमें ये कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर तय करे अगर पीड़ित परिवार चाहता है तो। बहुत अहम फैसला हाथरस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। पहला कि सीबीआई जांच की निगरानी जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं सीबीआई जो है वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जो सबसे ज्यादा मामला सामने आ रहा था कि थ्री टीयर सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहैया कराई थी, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है हमें जो है उत्तर प्रदेश उस्मानी आपका। आज सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, ये कहते हुए कि इस मैटर की पूरी मॉनिटरिंग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच करेगी, सीबीआई इसकी जांच करेगी। इतना कह करके सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने यहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दिया। दैट मीन्स अब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आगे